है। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट डिश केसर बर्फी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो चलिए बनाते हैं केसर बर्फी। केसर बर्फी बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी, चाहे तो बूरा भी ले सकते हैं, 2 कप मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ कुछ धागे लिए हैं केसर के, जिनको गर्म दूध में भिगो के रखा हुआ है, 1/2 कप घी और 1/2 ग्लास दूध। मैंने गैस को ऑन कर दिया है, उसने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें डालूंगी अपना देसी घी, इसको थोड़ा मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो गया है, अब हम ऐड करेंगे इसमें घी, इसको भी थोड़ा चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, पहले हम 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। हमें दूध को ज्यादा गर्म नहीं होने देना है, तुरंत ही इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है। अब हम इसमें डालेंगे केसर वाला दूध और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे शक्कर, इसको मैंने पीस लिया है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने इसमें 1/4 कप डाला है, 1 कप से थोड़ा कम। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा सा बर्फी का बैटर जो हमारा पतला हो गया है, अब हम इसको थोड़ा सा चलाकर इस तरीके से इसको भूनेंगे, जिससे कि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारी बर्फी लगभग रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं ये किनारे छोड़ने लगी है, इसका मतलब ये रेडी हो गई है जमाने के लिए। अब मैं इसे जमाने के लिए कंटेनर में कर लेती हूँ। यहाँ एक ट्रे लिया है, इसे बटर पेपर लगा लिया है और इसे घी से ग्रीस कर लिया है। अब मैं अपनी बर्फी इसमें पलट देती हूँ। मैंने बर्फी को कंटेनर में कर लिया है, अब मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। दोस्तों हमारी बर्फी लग गई है ट्रे में। अब मैं इसे थोड़ी सी बादाम के साथ डेकोरेट कर देती हूँ। अगर दोस्तों आपके पास केसर नहीं है तो आप इसमें फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम अपनी बर्फी को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रखें या फिर इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। बर्फी हमारी अच्छे से सेट हो गई है, अब मैं इसे आराम से निकाल लेती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारी बर्फी सेट होकर रेडी हो गई है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट हो गई है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुई है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए दोस्तों हमारी केसर बर्फी बनकर रेडी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है। देखिए आप कितने आराम से टूट रही है, इतनी ये सॉफ्ट है, उतनी खाने में बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको कभी भी बना सकते हैं और बनाने में इसके बहुत ही कम समय लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है और आप इसको किसी भी त्योहार पर बनाकर खा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के